हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। मैं अनुज कुमार और आज की वीडियो में मैं कई टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले कल मैंने वीडियो बनाई थी और आपको बताया था आपका फिजिकल फिट टेस्ट जो है 20 से पहले कम्प्लीट हो जाएगा और आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो आपके सामने आ चुकी है। बीपीएड की हम बात करें कि बीपीएड जो है उसका एडमिट कार्ड आ चुका है और डाउनलोड कैसे करें ये भी मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। अब एमपीएड का डाउनलोड कब होगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। सर मेरे 140 मार्क्स थे, मेरा एडमिट कार्ड आ गया, मेरे थोड़े कम नंबर थे, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल की वीडियो पर। जैसे कि मैंने आपसे फीडबैक मांगा था कि टेक्निक और परफेक्शन और इंजरी को लेके हम छोटी सी एक क्लास करते हैं और जितनी भी प्रॉब्लम है खिलाड़ियों की उस पर हम बात करेंगे कि उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो कल सबसे पहले मैं 10 बजे गूगल मीट पर मैं लाइव आने वाला हूं और आपकी समस्याओं का जो है सॉल्यूशन ढूंढने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं। कल हम 10 बजे संडे को हम लाइव आएंगे गूगल मीट पर। अब सर लिंक कैसे मिलेगा आपका क्वेश्चन है, लिंक जो मैं आज की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट जो है वहाँ पर भी शेयर कर दूंगा, शॉर्ट वीडियो है वहाँ पर भी मैं शेयर कर दूंगा और आपको जो है लिंक मिल जाएगा गूगल मीट ऐप का और आप 10 बजे तैयार हो जाएंगे कि किस तरीके से कैसे क्या करना है। फीडबैक मेरे पास बहुत अच्छा आया, मैं समझ सकता हूँ खिलाड़ी एक्टिव हैं, डेडिकेटिव हैं मेरे साथ साथ, मैं तो हूँ आपके प्रति, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा जो एनालिसिस है कितना एक्यूरेसी के साथ में जो काम करता हूँ ये आप को पता चल गया होगा कि सर ने जो है बता दिया कि आपका एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा और आपका फिजिकल फिट टेस्ट कब तक हो जाएगा। ये डेट आ चुकी है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं, सब लोग डाउनलोड कर रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से लोगों को पता भी चल जाएगा। मैं आज की वीडियो में यही बताऊँगा कि एडमिट कार्ड को डाउनलोड कैसे करना है और ये भी आपको बताने वाला हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड आ गए हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड नहीं आए, जिनके 140 से मार्क्स ऊपर थे उनके एडमिट कार्ड आ गए, जिनके कम थे उनके नहीं आए। तो मैं आपको बता दूं किसी भी खिलाड़ी को परेशान होने की जरूरत नहीं जिसका एडमिट कार्ड नहीं आया, बस वो सिर्फ अपना पोर्टल चेक करते रहे, क्योंकि अगर उसके पास स्ट्रेंथ जो है, जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूट है, उनके पास अगर स्ट्रेंथ टोटल जो भी उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि हम इतने लोगों को फिजिकल कराएंगे, अगर वो पूरे हो जाते हैं 140 मार्क्स वाले स्टूडेंट जो हैं ऊपर जिनसे, तो वो उनको करा लेंगे। जो फेल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स कम हैं उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अगर उनके पास ये स्टूडेंट जो स्ट्रेंथ है वो पॉपुलेशन जो उनके पास जाने वाली है वो कम है, तो जो फेल कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी एडमिट कार्ड आएगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप अपना पोर्टल चेक करते रहें कि पिछले 2 साल से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि फेल कैटेगरी जो स्टूडेंट थे उनको भी बुलाया था, वेटेज सबसे ज़्यादा जो जिनके रिटर्न में मार्क्स ज़्यादा थे उनको सबसे ज़्यादा वेटेज मिला था। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, किसी भी खिलाड़ी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका इंस्ट्रक्टर आपके साथ है, सारी समस्याओं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मैं आपके बीच में प्रेजेंट होता रहूँगा और बताता रहूँगा किस तरीके से उससे जो है फ्री होना है। तो अब हम बात करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा एनालिसिस कितना बेहतर है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे कि कितनी एक्यूरेसी है मेरी जो है, जो गाइडलाइंस है जो मैं आपको शेयर करता हूँ, मैं आपको जो सजेशन देता हूँ, जो आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसमें कितनी एक्यूरेसी है आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे और कल मैं आपके बीच में लाइव आऊंगा जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि एडमिट कार्ड को डाउनलोड कैसे करें। बीपीएड की हम बात करेंगे, एमपीएड का भी लिंक शो नहीं हो रहा है, तो एमपीएड वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका भी एडमिट कार्ड कल परसों में आ जाएगा। तो हम चलते हैं और बात करते हैं कि डाउनलोड कैसे करें। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद bhuonline.in जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन आएगा और यहाँ पर ओपन होने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद ये आपके सामने लिखा हुआ डाउनलोड योर प्रैक्टिकल ऑफ फिजिकल फिटनेस टेस्ट एडमिट कार्ड, यहाँ पर जाने के बाद आपको इस पर जो क्लिक करना है, यहाँ पर जो भी जिसको हम बोल सकते हैं जो स्पोर्ट कोटे से जो एडमिशन लेते हैं MFA में जो भी कैटेगरी जो होती है स्ट्रीम होती है तो उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हमें सिर्फ बीपीएड से बात करना है। तो यहाँ पर करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक पोर्टल ओपन होकर आएगा और उसमें जो है आपको इसमें ये रोल नंबर के लिए आएगा और यहाँ पर जो है आपको बीपीएड
यहाँ पे क्या करना है आपको, इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी सब्जेक्ट है उनके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे। तो हमें बीपेड के लिए करना है, एमपेड का भी इसमें लिंक शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप रोल नंबर क्लिक करेंगे और इसको सर्च करने के बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कल हम मिलने वाले हैं 10 बजे गूगल मीट ऐप पर। आज की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और कम्युनिटी पोस्ट भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। अगर आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लग रहा है, राइट टाइम पर आपके बीच में पहुंच रहा है, तो अभी मेरे को कमेंट करके बताएंगे सर हम सेटिस्फाई हैं इतने%। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।